आज 12 जनवरी पे हम लोग द हिंदू के जो प्रमुख एडिटोरियल हैं, जो हमारे यूपीएससी सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग आज डिसाइफर करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या है, क्या चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कि द हिंदू के एडिटोरियल में आज है क्या क्या। तो देखिए, जो यहाँ सबसे पहला जो आर्टिकल है लिखा हुआ, ये जोशी मठ में जो त्रासदी अभी हो रही है, या आपने देखा होगा कई दीवार क्रैक हो रहे हैं, इससे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है वो है। तो इसको हम लोग जब डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंध करेंगे तब देख लेंगे, अभी के लिए मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुछ साइंटिफिकली डिटेल आएगा तब हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में करेंगे। क्लियर है? एक सेकंड। इसके बाद जो आज का दूसरा आर्टिकल है, अगर हम दूसरे आर्टिकल की बात करेंगे तो ये है पुश फॉर ग्लोरी। कल से इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो इसको एक बार आप स्पोर्ट्स अगर एंथुसियास्ट हैं तो इसको आप देखिएगा। इसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हमारी नेशनल गेम है। इसका जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में राउरकेला और भुवनेश्वर में, दो जगहों पर ये हो रहा है। इसको भी एडिटोरियल हम लोग शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद अब देखेंगे तो ये है हिंदू राइट्स प्लॉय टू विन ओवर मुस्लिम। इसमें अभी कहा जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी है ना, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने मुस्लिमों ना एक जैसे मुस्लिमों के हार्ट को जीतने के लिए या इसके लिए ना पसंदा मुस्लिम एक ग्रुप है जो कि कन्वर्ट हुए रहते हैं हिंदुओं से, तो उस पर एक लेख है, ठीक है, द पसमंदा मुस्लिम्स करके है। ये बहुत ज्यादा उसके लिए नहीं है पॉलिटिकल, अगर आप एनालिस्ट ओवर करेंगे तो इसके लिए ज्यादा आता है, अदरवाइज ये यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से उतना नहीं है। ये तो फिर आगे क्रिकेट की बात, ये भी हमारे लिए यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये है जो हमारा आज का पहला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ। ये प्री टर्म बर्थ क्या है, स्टिल बर्थ क्या है, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या रिपोर्ट कहता है, इंडिया में स्थिति क्या है, इसको हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। पहला आर्टिकल ये हो जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल है, और ये फिर अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर का एक टॉपिक है जिसमें चाइना ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान, मीन्स अफगानिस्तान में जो रूल कर रहे हैं तालिबान उनका और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ है ऑयल को, ऑयल फील्ड्स को लेकर के, उस पर एक अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। तो ये हमारे यूपीएससी के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं दोनों आर्टिकल्स को हम लोग आज शामिल करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं, आज के आर्टिकल्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है आज का, पहला आर्टिकल है वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, और इसमें जो पहला अगर हम देखेंगे तो रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ। तो ये क्यों न्यूज में आया, न्यूज में आने का इसका क्या रीजन है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो अगर हम पहला बात करेंगे कि क्या है, तो यूनाइटेड नेशन में एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेट, ये करके एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को अगर मैं बात करूं, UNICME करके एक रिपोर्ट आई है, इसमें दो तरह की रिपोर्ट दी गई है। एक तो प्री टर्म क्या होता है, जब बच्चा जो समय से पहले जन्म लेता है उसकी, और एक बच्चा स्टिल बर्थ मतलब क्या होता है, जो बच्चा जब उसकी जन्म होती है उस समय वो मृत्यु हो जाती है उसकी, या मृत होकर के उसकी जन्म होती है। इन दो पर यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट आया है। तो इस रिपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे कि इस पूरे विश्व का रिपोर्ट है, इसकी तुलना हम इंडियन के क्या कंडीशन है, इंडिया में क्या कंडीशन है, और भारत में इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, क्या स्थिति भारत की है, उस पर हम देखेंगे। ये हो गया, तो ये स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका बन गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला आर्टिकल का पहला पार्ट है, आपको समझ में आ गया ये न्यूज में क्यों है। इसके बाद जो पहला अगर आप देखेंगे तो बोला कि भारतीय बाल मृत्यु दर ट्रैक के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो इस रिपोर्ट में वर्ल्ड के हिसाब से रिपोर्ट दिया हुआ है, जिसमें कहा कि 2021 में जो है लगभग 5 मिलियन, 5 मिलियन मतलब कितना हुआ, 50 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से पहले इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसमें अगर भारत का आप देखेंगे तो भारत में लगभग ये क्या है, 7 लाख प्लस है, एग्जैक्टली 7,09,366 है। तो ये जो आंकड़ा है ये भारत का है, जो कि ज्यादा है, ये 5 साल से छोटे बच्चों का है। इसके बाद हम 1 साल तक के बच्चों का देखते हैं,
उसके बाद हम देखते हैं कि 28 दिन के बच्चों का क्या है। तो ये जो बच्चे हैं ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा, जैसे इस आर्टिकल को शुरू करते समय कि जब एक इस आर्टिकल को शुरू करते समय भी कहा गया है, नेल्सन मंडेला ने कहा था किसी देश के अगर आपको उसके प्रगति का पता करना है तो ये पता करना होगा कि वो अपने बच्चों का केयर कैसे करता है। इसी में आपको बाल मृत्यु ट्रैक करने के विभिन्न तरीके कैसे हो सकता है, एक तो आपको पता चलेंगे कि हम लोग 5 साल से नीचे वालों का ट्रैक करते हैं, फिर हम 1 साल से नीचे जो 1 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, और फिर 28 दिन से पहले जो मृत्यु हो जाती है इस पर हम ट्रैकिंग करते हैं, इस पर हम पता लगाते हैं, जिसको कि अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, उसके बाद नटाल मोर्टेलिटी और नियो नटाल मोर्टेलिटी, मतलब एकदम ही नवजात जो बच्चे होते हैं उसमें। फिर इसमें आगे चल करके इन्होंने कहा कि जैसे मध्य प्रदेश वगैरह जो है, जो हमारे राज्य हैं, विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभिन्न पाई जाती है, जैसे कि जब आप देखेंगे तो ये जो है एमपी वगैरह की अगर आप बात करेंगे तो एमपी का केरल की तुलना में लगभग बहुत बुरा हाल है, लगभग 6 गुना का यहाँ पास अंतर आ जाता है, ये एक हो गया। दूसरा जो है वो है कि बाल मृत्यु और जो दूसरा क्वेश्चन है बाल मृत्यु और प्रजनन क्षमता दर क्या है, ठीक है। तो बाल मृत्यु क्या है कि जो बच्चे पैदा ले रहे हैं उसमें कितने बच्चों की मौत हो जा रही है, पर 1000 में हम देखते हैं कि कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, और प्रजनन दर क्षमता ये भी हम देखते हैं कि 1000 महिलाओं में कितने महिलाओं का और कितने कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी बाल मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता को इंगित करता है। फिर इसके आगे जब आप पढ़े आप इसको देखेंगे इस आर्टिकल को तो आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा, हाँ ठीक है, कि बाल मृत्यु दर मृत्यु की 2 उपेक्षित चुनौतियां कौन सी हैं। जैसे मैंने बात किया जब पहले तो हमने ये बात कर ली कि हम 5 साल से इनका क्लियर कर लिए, 5 साल से इसका हमने काउंटिंग किया, 1 साल से छोटे बच्चों का भी काउंटिंग किया, फिर 28 दिन से छोटे बच्चों का भी काउंटिंग किया। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है, दो चुनौतियां जो प्रमुख हैं जिसकी उपेक्षा हो रही है वो कौन सी है। जैसे इसमें सबसे पहले बात किया गया है प्री टर्म, प्री टर्म मतलब हम इसको उतने गंभीरता से नहीं लेते। प्री टर्म मतलब क्या है, जब बच्चा 37 सप्ताह से पहले जब जन्म ले लेता है तो हम लोग इसको प्री टर्म कहते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा, लगभग जो छोटे बच्चों की मृत्यु होती है उसमें 2/3 हिस्सा इनका है जो बच्चे प्री मिच्योर जन्म लेते हैं। आपने अगर आपने आसपास भी देखा होगा तो कई बच्चों का देखा होगा प्री मिच्योर जन्म ले लेते हैं तो उनको सीसी में रखा जाता है, वो एक आईसीयू है, न्यू नटाल का आईसीयू, इसलिए एनआईसीयू इसको बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमारा ध्यान नहीं है, हम इन चीजों पर तो कर रहे हैं लेकिन इस चीज पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। दूसरा एक स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब क्या हुआ, आपने स्टिल मतलब किसी चीज का रुक जाना, और बर्थ मतलब जब बच्चा जन्म ले रहा है तो वो मृत अवस्था में रहता है, तो इसके भी हमारे पास काउंटिंग नहीं है, क्योंकि ये जो काउंटिंग हम कर रहे हैं मोर्टेलिटी वाली ये मोर्टेलिटी वाली काउंटिंग हमारी इसमें है। तो ये जो 2 प्रमुख चुनौतियां हमारे पास है जिसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसमें क्या है, अगर 22 सप्ताह के बाद, अगर मान लीजिए किसी को गर्भ में आए 22 सप्ताह हो गए उसके बाद अगर मृत्यु होती है गर्भ में, अगर या जैसे जन्म लेते समय होती है, ये जो होती है इसका भी हम इंगित आंकड़े नहीं ले पा रहे हैं। ये 2 जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़े प्रॉब्लम है, प्री टर्म, टर्म पूरा करने से पहले ही मृत्यु, पहले ही जन्म, मृत्यु नहीं, ये मृत्यु जो हो रहे हैं बाल उनके, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इसका है। स्टिल बर्थ वाले को हमको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी बच्चा क्या है, गर्भ में किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु हो रही है। फिर उसके बाद पूछ रहा है समय पूर्व जन्म और मृत जन्म की उपेक्षा क्यों की जाती है, जो प्री टर्म है और स्टिल बर्थ है इसी का हिंदी नाम दिया है, प्री टर्म मतलब समय पूर्व जन्म और स्टिल बर्थ मतलब मृत जन्म की उपेक्षा क्यों की जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ हमने इसको काउंट नहीं किया कि भाई बच्चा जो ये हुआ, इसमें इन्होंने दिया है आंकड़ा कि ये जो बच्चे हुए इस बच्चों के साथ जो पूरे जो बच्चों की मृत्यु हो रही है 2/3 यही बच्चे हैं जो अपने समय से पहले जन्म ले रहे हैं, उसी काउंटिंग नहीं, और मृत मैंने कहा 22 वीक के बाद हम उनको काउंट कर लेंगे, इससे पहले अगर अबॉर्शन या स्लिपेज हो रही है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, इसके जो काउंट किए रहे हैं इसकी अपेक्षा की जाती है। इसे कई कारण है, भाई हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है तो हम
देख ही नहीं पाते हैं कि, या पता ही नहीं लगा पाते कि ये क्या हो रहा है। दूसरा कि हमारा न्यूट्रिशन लेवल नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम आती है जिसमें फोलिक एसिड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आयरन वगैरह जो महिलाओं में है वो कम पाई जाती है। तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो पहले जन्म ले ले रहे हैं, या बच्चे किसी न किसी कारणवश अपने गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जा रही। तो ये जो दो चुनौतियां हैं, ये सबसे प्रमुख चुनौतियां इस आर्टिकल में बताया गया है भारत के परस्पेक्टिव से, क्योंकि और जगह भारत में भी ज्यादा ही है, ये जो चुनौती है ये प्रमुख है और सरकार को इन दो चीजों पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर इस आर्टिकल में हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अधिकांश मृत जन्म और पूर्व श्रम जन्म है कैसे रोका जाता है। रोकने का देखिए दो ही कई तरीके हैं। पहला आप क्या करेंगे, पहला आपको क्या करना है, एक तो हेल्थ सुविधा बढ़ानी है, स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा क्या हो गया कि भाई जो बच्चा है उसकी जांच बहुत शुरू से ही हो, शुरू से ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसके बाद निगरानी में उसकी डिलीवरी हो, देखा जाए कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कि नहीं। दूसरा इसमें बोला है कि परिवार नियोजन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। परिवार नियोजन पर कितने तरीके, किस तरीके से, ताकि एक महिला को पता लगाया जा सके कि वो महिला अभी माँ बनने की सही दशा में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे एडवाइस किया जाए कि अभी आप थोड़े दिन बाद इस चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद सारे पैरामीटर चेक होने चाहिए, पैरामीटर्स अगर सही हैं तो हरी झंडी दिखानी चाहिए। उसके बाद जो ये चेकअप है वो हर समय पे किया जाना चाहिए। थर्ड क्या है, पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पोषण एक बहुत बड़ा रीजन है, खास तौर से जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाओं में ये चीज देखने को मिलता है कि उनमें फोलिक एसिड वगैरह कम पाया जाता है, विटामिन, आयरन वगैरह कम पाया जाता है, जिससे कि बच्चों या तो कुपोषित होते हैं या समय से पूर्व हो जा रहे हैं या तो उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जा रही है। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, इस तरीकों को अपनाना होगा। प्लस चौथा जो है कि हम जो लेबर वाला सिस्टम है, लेबर मतलब जिस समय डिलीवरी हो रही है, जिस समय बच्चा हो रहा है, उस समय किसी डॉक्टर की निगरानी में किया जाए। सरकार ने कुछ ट्रेन्ड वर्कर भी किए हैं, पहले क्या था, पहले तो गांव पे के ही स्तर पे होता था, लेकिन बाद में कुछ आशा वर्कर्स वगैरह का वहां वो किया गया। अभी क्या है कि डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाए, या अगर आशा वर्कर की निगरानी में किया जाता है, अगर केस कॉम्प्लिकेशन है या ऑपरेशन की जब नौबत आने वाली है तो उसको समय रहते ही वहां से हॉस्पिटल में भेजा जाए। तो हेल्थ केयर सिस्टम आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये हो गया। फिर दूसरा चीज है, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है कि इस चुनौती से संबंधित उचित डेटा को कैसे एकत्र किया सकता है। जैसे मैंने बताया, सरकार जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो सबका ख्याल रखती है, लेकिन सरकार प्री टर्म का कोई भी किसी तरह का आंकड़ा आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा। या स्टील बर्थ का जो आंकड़ा है, जो मृत बच्चे पाए जन्म लेते हैं, इसमें क्या है, ये वाले का आंकड़ा तो नहीं है। आप गांव के स्तर पर देखेंगे जो पाया जाता है, तो इसमें किसी तरीके का आपने देखा होगा कि इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है या कोई भी स्टैटिक्स या आंकड़ा भेजा नहीं जाता है। जब ये आंकड़ा भेजा नहीं जाएगा तो सरकार कोई एक्शन कैसे ले सकती है हेल्थ के ऊपर। प्री टर्म वाले का भी यही है, प्री टर्म वाले में आपने देखा होगा NICU की जो मैंने बात किया था, जो नटाल ICU है, ये भी कम जगहों पे है, और आप अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी वगैरह देखेंगे तो इसकी उपयोगिता वहां पर आपको समझ में आएगी कि बच्चों को एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने तक इसमें रखा जाता है, जब तक कि उनकी ग्रोथ नहीं हो जाती। तो ये सुविधाएं आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका भी डेटा होना चाहिए ना कि कितने जन बच्चों में इसकी आवश्यकता पड़ी, उस हिसाब से फिर आपको इसको ग्रामीण स्तर पर सभी स्तर पर लगाया जा सकता है। जब ये आंकड़े ही हमारे पास नहीं रहेंगे कि कितने बच्चे जन्म लिए, उनमें किसकी क्या स्थिति है, क्या प्रोग्रेस है, तो जब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे तब तक हमको उसके लिए सॉल्यूशन कैसे आएगा, जब हमें अपने प्रॉब्लम्स का ही पता नहीं होगा। उसके बाद आगे जब आर्टिकल चलता है तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि बाल मृत्यु दर को रोकने के लिए दीर्घकालीन समाधान क्या है। कि भाई एक लंबे समय के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तीन चार चीजें हैं। पहला, जैसे हमने परिवार नियोजन पर बात किया, इस पर गहरी शिक्षा दी जानी चाहिए। गहरी शिक्षा क्या मतलब, कि बच्चे कितने अंतराल में हों ये होना चाहिए, क्या स्वास्थ्य कंडीशन होनी चाहिए ये इसका ज्ञान होना चाहिए, माँ की क्या जरूरतें हैं ये होना चाहिए। फिर उसके बाद हेल्थ के क्या इंडिकेटर्स हैं जो आपको बार बार आपको देखने हैं, ये करने हैं कि रूटीन वाइज चेकअप करने हैं। तो पहला ये करना है आपको। दूसरा, जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, योजनाएं जो भी हैं, उसका
प्रचार होना चाहिए। इसका मतलब जैसे हमने मान लीजिए आंगनवाड़ी चला रखा है, आंगनवाड़ी में आपने सुना होगा लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए किया गया है, तो ये जो योजना है सभी तक पहुंचे, इसका लाभ सभी महिलाएं उठा सके, ये होना चाहिए। फिर तीसरा चीज कि उनकी रूटीन चेकअप, उनका समय के हिसाब से चेकअप होना आवश्यक है, समय रहते समय आए उनके चेकअप हो, इन सब चीज किया जाए। फिर चौथा इसमें किया है कि इस जो प्राइमरी आपका हेल्थ सेक्टर है, प्राइमरी हेल्थ का जो सेक्टर है, इस पर फंड दिया जाए, डॉक्टर्स हो, गांव के स्तर पे भी फंड हो, ताकि एक एक कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल वहां पास सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो जब आप इन सबको काम करेंगे तो एक दीर्घकालीन स्तर पर आप जो ये बाल मृत्यु की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। फिर आर्टिकल के आगे, तो ये आर्टिकल था, इसमें इसमें किया गया है। इसके आगे दो क्वेश्चन और देख रहे होंगे, भारत में बाल मृत्यु के दर के कारण क्या है। तो आपने समझ लिया भाई, इस जो हेल्थ है उस पर पैसा बहुत ज्यादा नहीं खर्च किया जा रहा है, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, महिलाओं का ही हेल्थ नहीं अच्छा है, फिर जो बच्चे हैं उनकी अच्छे से चेकअप नहीं होती है, प्रोटीन पोषण वगैरह की जो बात होती है वो वाला। फिर उसमें बाल मृत्यु दर के कम करने के लिए भारत सरकार के क्या प्रयास है, प्रयास में क्या क्या प्रयास है। तो भारत कई तरह के काम करते रहता है, जैसे आंगनवाड़ी के तहत इसने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें कि ये पोषण के लिए काम करती है, दूध वगैरह के लिए काम करती है, ये है। फिर कई जगह पे सरकार ने कई तरह की योजना चलाई है, जिसमें कि डिलीवरी जो आपके जन्म बच्चे का होता है उसमें हॉस्पिटल्स को इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम है, इसमें भी आपको देखना होगा। फिर एक योजना चली थी कि बाल मृत्यु सुरक्षा योजना, कि महिलाओं को हर एक चेकअप के लिए वो किया जाता है कि आप चेकअप कराएं, लेकिन सुविधा क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप व्यवहारिक स्तर पर जाके देखेंगे तो इतनी सुविधाएं तो हैं, सुविधाएं के नाम तो हैं, लेकिन वहां बेड नहीं होते तो नीचे सुला दिया जाता है, ये सब एक प्रॉब्लम है, सरकार को देखना पड़ेगा। इसके बाद सरकार ने और क्या काम किया है, तो एक एनम वाला जो काम किया है, ये आशा वर्कर, ये एक अच्छा काम है, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर कुछ तो एक नॉलेज है या ट्रेंड महिलाएं हैं, एनम वगैरह होती हैं। इसके बाद बहुत सारे जगह पे एम्बुलेंस चलाए जाते हैं कुछ कुछ नाम से, जिसको मातृ सेवा, कहीं कहीं कुछ सेवा के नाम से चलाया जाए, तो एम्बुलेंस भी एक अच्छा काम है। एम्बुलेंस से क्या होता है कि किसी महिला को जब उसका लेबर पेन शुरू होता है तो उसके बाद उनको उचित हॉस्पिटल में ले जाया जा सकता है। तो ये सरकार के कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन अभी भी सरकार को क्या है कि जो जीडीपी जो जो हेल्थ पे खर्च है उसको बढ़ाना चाहिए। ये लगभग 1.5 के आसपास है, जो कि प्रमुख देशों में ये बहुत कम है, मतलब हम निचले देशों में आते हैं जब हमें स्वास्थ्य के ऊपर पैसे खर्च करने की बात की जाती है। तो इसको लगभग 2.5 से लेकर के 4 के आसपास तक करने की आवश्यकता है। तो होपफुली ये चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग नए आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ये जो आर्टिकल है ये आपका है, चाइना ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में आपको पता होगा। तो ये आप जीएस पेपर के इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक से जोड़िएगा, जिसमें कि भारत और जो विश्व राजनीति है उस पर भारत का पड़ने वाले असर को है। तो यह लेख क्यों है, तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान पे अभी रूल कौन कर रहा है, तालिबान, तालिबान रूल कर रहा है। तो हुआ क्या है कि तालिबान की लेटिसमेसी को किसी ने अभी तक बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी है। चाइना एक स्टेप यहाँ लिया है कि तालिबान के अंदर कुछ क्रूड ऑयल के वो क्षेत्र हैं, उससे यहाँ पास तालिबान का जो, क्योंकि अफगानिस्तान का शासक कौन है, तालिबान, और चाइना की गवर्नमेंट और तालिबान ने क्या किया है, एक हस्ताक्षर किया है या समझौता किया है, जिसके अंतर्गत चाइना तालिबान के ऑयल्स फील्ड वगैरह का इस्तेमाल करेगा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या चाइना ने लेटिसमेसी दे दी है तालिबान को कि अफगानिस्तान की सरकार तालिबान चलाएगी, और क्या ये आगे चल करके आर्थिक आर्थिक सहयोग भी करने के लिए तैयार है। ये इसीलिए ये लेख न्यूज में है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो जब आप इसको देखेंगे तो जो पहला है, अफगानिस्तान में चीन की क्या दिलचस्पी है, तो एक तो समझ में आना चाहिए आपको कि नेचुरल रिसोर्स जो प्राकृतिक संसाधन है उसको ये लेना चाहता है, कि अगर तेल वगैरह है तो वहां, क्योंकि इतनी गरीबी आ गई है कोई भी देश सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो प्राकृतिक संसाधन के नाम पर आप उनको कुछ पैसे कुछ लोन वगैरह दे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये सेंट्रल एशिया में
अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया कौन सा, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब आते हैं, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, सेंट्रल एशिया में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए ये अफगानिस्तान का यूज करना चाहते हैं। तीसरा क्या है, इनका जो जिंगजियांग का प्रांत है, जिंगजियांग का, उस पर क्या है, आप वहां पास उग्रवादी किस्म के लोग होते हैं या अलगाववादी, इनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो तालिबान ना साथ दे दे, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए वो अफगानिस्तान के साथ पीस समझौता करना चाहते हैं, या अफगानिस्तान को अपने तरफ रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा। तो चाइना क्या ये चीज चाह रहा है, उसमें क्या कुछ चुनौतियां नहीं है, तो आपको यहाँ पास आगे मिलेगा कि इसके लिए कुछ चाइना के सामने चुनौतियां हैं। पहला चीज कि क्या वो अगर तालिबान को अगर मान्यता दे देता है तो पूरा विश्व उनसे कैसे रिएक्ट करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, ये लोग पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि तो पाकिस्तान कहता था कि तालिबान हम तालिबान सपोर्टर हैं, तो पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान को सपोर्ट करता था। लेकिन आज पाकिस्तान में और तालिबान में, पाकिस्तान और तालिबान में खुद ही वार छिड़ गई है। तालिबान में क्यों? क्योंकि तालिबान के सपोर्टर टीपीपी है, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान इनके सहयोगी रहा है तो ये इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान और तहरीके तालिबान में नहीं पड़ती है। तो जब पाकिस्तान और तालिबान ही खुद लड़ गए, तो चाइना की ये जो सोच थी कि पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान पे हम अपना हुक्म चलाएंगे, तो ये वाला भी इसके सामने नहीं हो गया। तो ये एक चुनौती है। तीसरा कि अफगानिस्तान में देखा गया है कि जितने भी वर्ल्ड पावर गए हैं उनकी वहां पास कब्रें खुदी हैं, तो चाइना वहां पास डायरेक्टली या मिलिट्री इन्वेंशन नहीं करना चाहता। तो क्या बिना मिलिट्री के सिर्फ वो आर्थिक रूप से उसको क्या एक लोन के माध्यम से या इन तरीकों से क्या वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है? तो ये प्रमुख चुनौती रहेंगी। ये आगे आने वाले समय में हमको देखना है कि क्या इस स्थिति से कैसे चाइना डील करता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आर्टिकल में अगर हम आगे चलेंगे तो इसमें है कि अफगानिस्तान चीन सहयोग के लाभ और हानि क्या है। तो देखिए, अफगानिस्तान को अभी क्या है, क्या इसमें क्या क्या लाभ हो सकता है? तो पहला जो लाभ है वो तो अफगानिस्तान चाहता है, या अफगानिस्तान का तालिबान शासक कौन है, तालिबान। अभी तो तालिबान चाहता है कि हमें क्या मिले, विश्व के देशों के द्वारा मान्यता मिल जाए। तो अगर चीन इनके साथ समझौता करता है तो ये मान्यता मिल जाएगी। तो पहला अफगानिस्तान को फायदा तो ये हुआ। दूसरा, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, या आर्थिक स्थिति बहुत नीचे चली गई है, और चीन के पास अभी के पास फंड है, तो चीन इनको फंड देगा तो अफगानिस्तान का मानना है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर लेंगे, ये लाभ है। थर्ड, अब हानि क्या है अफगानिस्तान को? तो अफगानिस्तान को ये समझना चाहिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के हिसाब से ही तो डील होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना का है, वन रोड वन बेल्ट चला रखा है उन्होंने। तो ये जो चीजें हैं, इसे कैसे अफगानिस्तान डील करेगा और इसमें किस तरीके से वहां पास होगा। फिर चौथा, अफगानिस्तान को हानि क्या है कि अगर ये ज्यादा लोन ऋण ट्रैप में फंसते हैं या ऋण जाल में फंसते हैं, तो ये ऋण जाल आगे चल करके ऐसा ना हो कि आर्थिक रूप से चीन का एक तरह से गुलाम बन जाए अफगानिस्तान, ये भी खतरा है। तो इस तरीके से या आगे चल करके तालिबान को यूज कर सकता है कौन, चीन। तो ये एक हानि का पॉइंट आपको दिख रहा है, ये आपको फायदे का पॉइंट यहाँ पास दिख रहा है। तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि एग्जैक्टली ये जो समझौते हो रहे हैं और फिर इंडिया के साथ इनके कैसे रिलेशन बनते हैं। उसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीन तालिबान के संबंध जो अभी बनने वाले हैं, इस पे भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि भारत की स्थिति है क्या। जब अफगानिस्तान में सरकार थी तालिबान से पहले, तो भारत बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाता था। ये जो प्रोजेक्ट है अभी भारत के लिए तालिबान को, अभी पहले तालिबान भारत का समझते हैं, फिर तो तालिबान को भारत ने मान्यता नहीं दी है कि हाँ आप ही इसके शासक हैं। लेकिन क्योंकि भारत के बहुत सारे वहां पास प्रोजेक्ट रनिंग हैं, तो इस प्रोजेक्ट को भारत ऐसे छोड़ नहीं सकता, बहुत सारा डैम वहां पास बनाया है। तो जब ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अब तालिबान के साथ भारत आगे चल करके इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता है, क्योंकि तालिबान ने कहा भी था कि हम भारत के जो निवेश है उनको प्रोत्साहित करेंगे, हम चाहेंगे कि भारत यहाँ पास खूब सारे पैसे लगाए।
तो ये जो चीजें हैं अब यहाँ पास रोल आ जाता है चाइना का। अगर चाइना यहाँ पास ऋण या लोन अगर प्रोवाइड करता है तो क्या जो भारत के साथ प्रोजेक्ट थे, भारत क्योंकि भारत और चाइना के बीच में संबंध खराब है, तो ये जो स्थिति है ये वाले ऋण की, तो इन दोनों में से क्या वो इंडिया के प्रोजेक्ट लेता है, क्या वो चाइना के ऋण जाल को लेता है? तो ऋण जाल में आपको पता होगा कि अभी जो स्थिति पाकिस्तान की है या अभी जो स्थिति श्रीलंका की है, इनको देखते हुए अफगानिस्तान के लिए डायरेक्ट चीन के हाथ में चले जाना भी तो मुश्किल है। तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, या ये तीनों त्रिशंकु के लिए, अफगानिस्तान के लिए भी चुनौती है, अब तालिबान के लिए चुनौती है कि वो इंडिया और चाइना में किस तरह का सामंजस्य चाहता है। चाइना के पास चुनौती है कि चाइना अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है आर्थिक मदद दे करके। भारत का है कि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि हम तालिबान को मान्यता नहीं दे सकते। अगर भारत ऐसी स्थिति आता है कि भारत ने मान लीजिए सोचा कि चलो हम मान्यता दे देते हैं, अगर मान्यता देने के बाद तालिबान से अगर भारत के रिश्ते सुधर गए तो फिर ये चीन के रीढ़ का क्या होगा? तो ये जो आप त्रिशंकु देख रहे हैं कि एक दूसरे का असर डायरेक्ट पड़ रहा है, चीन का तालिबान के साथ डायरेक्ट असर भारत पे पड़ेगा, या भारत का तालिबान के साथ जो रिश्ता है ये डायरेक्ट रूप से चीन के रिश्ते पर पड़ेगा। तो ये चीज आगे चल करके ही हमको क्लियर होगी, ये देखने वाला होगा कि भारत किस तरह से अपनी डिप्लोमेसी, अपनी जो संबंध है उसको बनाता है, या जो चाइना है वो तालिबान के साथ किस तरह के रिलेशन रखना चाहता है। तो आगे आने वाला समय है, फिर कई तरह के इसमें अभी प्रतिबंध तालिबान पे लगेंगे क्योंकि उन्होंने महिलाओं को पढ़ाई की रोकी, और तालिबान के अंदर भी जब गरीबी आएगी ना, गरीबी अभी तो है ही है, जब लोग भूखे मरेंगे तो यहाँ विद्रोह भी होंगे। इस विद्रोह के ऊपर तालिबान कितना सशक्त शासन कर पाता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर भी सेक्ट हैं, कुछ महिलाओं को पढ़ाने के पक्ष में है, कुछ महिलाओं को पढ़ाने के पक्ष में नहीं है। तो ये ऐसा ना हो कि फिर से अफगानिस्तान गृह युद्ध की तरफ चला जाए, उसका भी असर भारत के साथ रिश्तों पर पड़ेगा। तो ये जो आपको दोनों आर्टिकल्स हैं, ये दोनों ही आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली कि आप लोग को एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है विश्व में और क्या भारत चाह रहा है, या जो पिछला आर्टिकल था उसमें भी आपको स्थिति समझ में आई होगी भारत में बच्चों की स्थिति क्या है।